नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है मेरी चैनल ज्योतिदास वर्ल्ड में। तो आज मैंने बनाया है कच्चे केले की एक रेसिपी। कच्चे केले जो होते हैं ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये आप लोग को मालूम है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फाइबर मौजूद होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कच्चे केले की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है कटे हुए आलू, साथ ही में ये कच्चे केला। तो कच्चे केले को मैंने काट कर इसे पानी में भिगोने रख दिया है। पानी में मैंने 2 चम्मच नींबू का रस ऐड किया है और इसे उसी पानी में मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। साथ ही में यहाँ पर है ये हरी मिर्ची और ये है खसखस का पेस्ट। तो खसखस को मैंने मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका इस तरह से हमने पेस्ट बनाया है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल गर्म होने के लिए, और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम ऐड कर देंगे सूखे लाल मिर्च। इसके बाद 1 छोटी चम्मच कलौंजी। अब हम इसमें कटे हुए आलू को ऐड कर देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। अकेले को कच्चे केले को हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि कच्चे केले बहुत जल्दी ही पक जाएंगे, लेकिन आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम पहले आलू को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट और उसके बाद हम इसमें कच्चे केले को ऐड करेंगे। तो बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते रहना है। तो इस तरह से मैंने 4 मिनट लगातार आलू को फ्राई किया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये कच्चे केला, और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए हम फिर से इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद के हिसाब से। दोस्तों मैं हल्दी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और साथ ही में मैंने ऐड किया है हरी मिर्ची। आपको जितना तीखा पसंद है उसी के हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से चलाते रहे फ्राई करते रहेंगे जब तक ये आलू और कच्चे केला पूरी तरह से पक ना जाए। तो आप देख सकते हैं आलू पक चुका है और ये कच्चे केले भी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, और इसके बाद जो हमने खसखस का पेस्ट बनाया है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे चला लेते हैं एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जल ना जाए, और पानी ऐड करने के बाद हम इसे फिर से चलाते हुए 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। 1 से 2 मिनट इस तरह से हम चलाते हुए पकाने के बाद हम अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है, छोटे कप चाय के जो छोटे कप होते हैं उसी के कप के हिसाब से। तो अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक इसे गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पर रखते हुए कुक करेंगे। तो 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेते हैं। तो तैयार है ये आलू और कच्चे केले के साथ ये बनी रेसिपी। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।